के खूंखार वैगनर ग्रुप जैसी प्राइवेट आर्मी बनाना चाहता था अमृतपाल। 13 अप्रैल को AKF की स्थापना की घोषणा करने वाला था ये शख्स। और अमृतपाल अपने 3 खास गुर्गों के साथ पंजाब छोड़कर फरार हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में अमृतपाल की आखिरी लोकेशन शाहकोट में मिली थी। अमृतपाल के लोकेशन से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। लगातार पुलिस को चकमा देता हुआ अमृतपाल, और खबर अब ये कि वो पंजाब की सीमा से बाहर जा चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जालंधर से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, तो अब क्या यह मान लिया जाए कि पंजाब पुलिस की पकड़ से बाहर हो गया अमृतपाल, और वो तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई जो अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस कर रही थी? जो बिल्कुल विपिन, देखिए 4 दिन हो चुके हैं, तकरीबन 12 से ज़्यादा पंजाब पुलिस की टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं अमृतपाल सिंह को ट्रैक करने की। हर जगह के CCTV फुटेज सामने आ जाते हैं, वो व्हीकल सामने आ जाते हैं जिनका इस्तेमाल वो लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो पहले मर्सिडीज़ कार हो, उसके बाद ब्रेजा कार, उसके बाद प्लेटिना बाइक हो, और फिर उसके बाद वो आखिर में बुलेट पर फरार हुआ। ये सारी गाड़ियां बरामद हो चुकी हैं, जिनमें से ब्रेजा कार की बात करें, मर्सिडीज़ की बात करें, अब जो प्लेटिना बाइक थी वो भी दारापुर एक जगह है जालंधर के अंदर आउटस्कर्ट पर, जहां पर एक कैनाल के पास यानी कि नहर के पास से बाइक बरामद हुई, जिसको लावरेस हालत में वहां के 2 बाशिंदों ने देखा और उसके बाद उन्हें थाने पहुँचाया। तो फिलहाल व्हीकल बरामद हो रहे हैं, लेकिन तमाम ट्रैकिंग सिस्टम के बावजूद या फिर कहें सर्विलांस के बावजूद, अभी तक पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह का सही ठिकाना पता लगाने में पूरे तरीके से नाकाम साबित हो रही है। और जो सुबह जो तफ्तीश के दौरान जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि अमृतपाल सिंह अब पंजाब की जो दायरा है उससे बाहर निकल चुका हो। तो लिहाजा अभी भी पंजाब पुलिस का कहना है कि लगातार कोशिश की जा रही है, उसके तमाम संभावित ठिकानों पर रेड की जा रही है। लेकिन के लिए और ये बड़ा अपडेट जितेंद्र दे रहे हैं कि हो सकता है कि पंजाब से बाहर निकल गया अमृतपाल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वो ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक्टिव मेंबर है किरणदीप। 2020 में खालिस्तान मुहिम के लिए फंडिंग के आरोपों में उसे गिरफ्तार किया गया था। UK की नागरिक है अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर। और अमृतपाल के समर्थकों पर पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन। बठिंडा में अमृतपाल के 70 समर्थक गिरफ्तार किए गए। ये बड़ा एक्शन पंजाब पुलिस की तरफ से, जहां अमृतपाल के 1-2 नहीं बल्कि 70 समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। बठिंडा से खबर आ रही है जहां पर ये सभी लोग गिरफ्तार किए गए। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमृतपाल के साथ फरार गुर्गों की पहचान हुई है। अमृतपाल के साथ मौजूद गुर्गे लगातार सिम कार्ड बदल रहे हैं। ब्रेजा कार का मालिक भी अमृतपाल के साथ फरार हुआ है। अमृतपाल को बाइक मुहैया कराने वाले 2 गिरफ्तार भी किए गए। और अमृतपाल मामले में लुधियाना पुलिस का एक्शन नजर आया है। लुधियाना में अमृतपाल के 8 समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं। तो जालंधर और लुधियाना समेत तमाम वो जगह पुलिस के निशाने पर हैं, पंजाब पुलिस के रडार पर हैं, जहां अमृतपाल या फिर उसके समर्थक हो सकते हैं। ये 6 ब्रेकिंग न्यूज इस पूरे केस से जुड़ी, ये रही आपके सामने। नॉनस्टॉप छापेमारी चल रही है पंजाब पुलिस। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है कि अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की फिराक में था अमृतपाल। और दूसरी बड़ी खबर ये कि पंजाब छोड़कर वो फरार हो गया है। सोर्सेस के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है, पहले मर्सिडीज कार और उसके बाद ब्रेजा कार में ये सवार हुआ, और अब TV9 भारतवर्ष पर हमने आपको दिखाया कि ब्रेजा कार के बाद ये एक मोटरसाइकिल में सवार होकर भागा है, पंजाब से बाहर निकल गया है, सोर्स ये भी बता रहे हैं। इससे पहले ये जानकारी भी मिली थी कि अमृतपाल मानव बम बनाने के मिशन पर काम कर रहा था। तो कई बड़ी जानकारियां, और अब यह खबर भी हमारे सामने कि लुधियाना में 8 समर्थकों की गिरफ्तारी हुई है अमृतपाल के। बिल्कुल, और अगली बड़ी खबर भी अमृतपाल से जुड़ी हुई। अमृतपाल के घर पहुंची है पंजाब पुलिस की
एक टीम और लगातार उसके परिवार वालों से वो पूछताछ कर रही है और सुराग को तलाशने की कोशिश कि क्या अब तक पिछले चार दिनों में अमृतपाल ने अपने घर वालों से कोई भी संपर्क साधा अमृतसर में। अमृतपाल के घर फिलहाल पुलिस, पंजाब पुलिस की टीम पहुंची है, लगातार छापेमारी की जा रही है और धरपकड़ की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार पुलिस को चकमा देता हुआ अमृतपाल और उसकी ये आखिरी तस्वीर जिसमें प्लैटिना बाइक पर सवार होकर वो भागता हुआ नजर आया।